4000 एकड़ जमीन पर काजू के बागान हैं, काजू के पेड़ लगे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, 20 साल से वहां के किसान जो काजू की खेती करते हैं वो एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेते हैं और उसमें जहरीले कीटनाशक जिसका नाम एंडोसल्फान है वो हेलीकॉप्टर में भरा जाता है और पूरे गांव के काजू के पेड़ पर जो 4700 एकड़ में है वो छिड़का जाता है एंडोसल्फान 20 साल से लगातार। जब मैं पहली बार उस गांव में गया था तब उन्होंने बताया कि हम 20 साल से ये छिड़क रहे हैं और लगातार वो छिड़कने का दुष्परिणाम क्या हुआ है कि वो मैंने आपको बताया 2% एंडोसल्फान तो कीड़े मारने में चला जाता है, 98% गाँव के तालाब में जाके भूल जाता है और गांव के तालाब का पानी गांव के लोग पीते हैं तो उनके शरीर में वो एंडोसल्फान आ जाता है। परिणाम ये हुआ है कि पिछले 20 वर्षों से पढ़रे गांव में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ताली मत बजाइए इस पर। 20 साल से नया बच्चा पैदा नहीं हुआ। नपुंसकता इतनी अधिक है उस गांव में स्त्री और पुरुषों में, बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं, पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु नहीं है, माताओं को अंडाणु नहीं बन रहे हैं। और उस पर रिसर्च करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जब टीम गई एक बहुत बड़े वरिष्ठ डॉक्टर के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन कुमार उनका नाम है, उन्होंने जब पूरे गांव के लोगों का ब्लड सैंपल लिया तो पता चला कि गांव के लोगों के खून में एंडोसल्फान नाम का कीटनाशक घुस गया है और जितना मनुष्य की सहन करने की शक्ति है जिसको हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं उससे 40 गुना ज्यादा। ये गांव के लोगों का खून रक्त परीक्षण जब किया तो डॉक्टर मोहन कुमार की टीम ने बताया और वो टीम ने फिर बताया कि ये खून में इतना ज्यादा एंडोसल्फान है इन लोगों को तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चे पैदा हो जाए। फिर पता लगाया गया कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे ये तो एक बीमारी और क्या क्या है। उस गांव में पता चला हर घर का दूसरा और तीसरा आदमी कैंसर का शिकार है हर घर में। फिर और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि गांव में जितने बच्चे हैं जो पैदा हो गए 20 साल पहले उनको अगर आप देखोगे तो किसी की उम्र 4-5 साल से ज्यादा नहीं लगती जो 20 साल से बड़े हैं, क्योंकि शरीर का ग्रोथ ही नहीं हुआ है, वो बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं अभी भी। गांव में हम लोग गए तो देखा घरों के दरवाजे पे बच्चे बैठे हैं, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं, कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं, किसी के पांव ऐसे हैं, किसी को एक हाथ में 8-9 उंगलियां हैं, किसी को पांव में 10-12 उंगलियां हैं और किसी के पांव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, किसी को आधा पांव है, एक पांव है ही नहीं है, इस तरह के बीसियों बच्चे। और ज्यादातर बच्चों को हमने देखा तो शरीर छोटा सा है, सिर बहुत बड़ा है, एक बच्चे का सिर इतना बड़ा कि वो हिला नहीं सकता, हमेशा लेटा रहता है। उस बच्चे की उम्र पूछी तो उसकी माने का 32 साल की उम्र है और मुझे लगा कि ये 4-5 साल का है। उन सभी बच्चों के हमने फोटोग्राफ खींचे थे, फिल्म बनाई थी, कभी समय मिला तो आस्था चैनल पर उसको हम दिखाएंगे कि इतने खराब स्थिति में वहां के बच्चे जी रहे हैं, उठा नहीं सकते शरीर को, सिर बहुत भारी है, हाथ पांव एकदम छोटे हैं, या सिर एकदम छोटा है, हाथ पांव बहुत भारी है, या किसी को आंखें जो है ना जन्म से अंधे हैं, कोई बोल नहीं पाता है, किसी को हमेशा मुंह टेढ़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उस गांव में सबसे ज्यादा। डॉक्टर मोहन कुमार जो वहां काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको जब पूछा गया कि आपने इस गांव को कैसा पाया तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस गांव में आया था तो मुझे बताया गया कि केरल भारत का स्वर्ग है, इसलिए मैं इस गांव में आया सेवा करने के लिए। यहां आकर पता चला कि दुनिया का इतना खतरनाक नरक तो किसी भी देश में नहीं होगा जो इस केरल के कासरगोड जिले के पढ़रे गांव में है। शादी नहीं हुई, कोई अपनी बेटी उस गांव में भेजने को तैयार नहीं है, कोई उस गांव की बेटी को अपने घर में लाने को तैयार नहीं है। इतनी दुखदायी कहानी उस पढ़रे गांव की है। और उस पढ़रे गांव में जब हमने प्रवेश किया था तो वहां भी मलयाली भाषा में यही लिखा हुआ था कि केरल तो भारत का स्वर्ग है लेकिन ये गांव दुनिया का नरक है। कारण जहरीला कीटनाशक एंडोसल्फान जो वहां छिड़का जा रहा है 20 साल से, कहां पर? काजू के बागानों पर, काजू के पेड़ों पर। तो ये इस तरह के भारत में आप घूमने निकलेंगे तो सैकड़ों गांव निकलेंगे
इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में ये जहरीले कीटनाशकों से, इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड से और जहरीले रासायनिक खादों से हो रही है। तब अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका विकल्प क्या, क्या करें हम? तो हमें लगता है इसका एक ही विकल्प है, एकमात्र विकल्प है वो ये कि भारत के किसानों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी इस जहर को खेत में डालना बंद करें और इस जहर के स्थान पर कोई अमृत तत्व उपलब्ध हो हमारी प्रकृति के द्वारा, उसको अपने खेतों में खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में डालें और धीरे धीरे ये धरती जो पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, बर्बाद हो गई है, इस धरती को वापस ठीक किया जाए, मिट्टी को वापस ठीक किया जाए, पानी को वापस ठीक किया जाए, हमारी हवा को वापस ठीक किया जाए। माने एक ही बात किसानों को समझानी है, विषमुक्त खेती करो। अभी तक विषयुक्त खेती कर रहे हो, अब विषमुक्त खेती करो, स्वदेशी खेती करो, स्वावलंबी खेती करो, कम खर्चे वाली खेती करो, ये जहर डालना पूरी तरह से बंद करो, क्योंकि ये जहर किसानों को भी मार रहा है और हम सब नागरिकों को भी मार रहा है। भारत सरकार के एक आंकड़े को और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में जितने किसान ये जहर छिड़कते हैं ना कीटनाशक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खेत में, इनमें से हर साल 70,000 किसान मर जाते हैं, हर साल जो छिड़कते। कैसे मर जाते हैं? आपको मालूम है जब वो छिड़केंगे कीटनाशक और जंतुनाशक तो वो मिट्टी पर जितना गिरेगा, फसल पर जितना गिरेगा, उससे ज्यादा तो श्वास के माध्यम से आपके शरीर में आने वाला है। और ज्यादातर किसान भाई बहनों को मैंने देखा है वो पे कोई मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे ही छिड़कते हुए चले जाते हैं। तो 70,000 किसान हर साल इस देश में मर जाते हैं। सारी दुनिया में कीटनाशकों के द्वारा, जहरीले कीटनाशकों को गरीब देशों में जो बेच रही हैं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके स्प्रे के द्वारा 3,00,000 किसान मर रहे हैं सारी दुनिया के विकासशील देशों में, गरीब देशों में। उसमें से 70,000 किसान अकेले भारत में मर रहे हैं, 3,00,000 दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में मर रहे हैं, 70,000 अपने देश में मर रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं, बार बार मैं कहता हूं, जिनकी एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं है, ऐसे आंकड़ों को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं वो कितने अधिक होंगे। और उसके बाद हम जो मर रहे हैं जहरीले सब्जियों को खाकर, दालों को खाकर, अनाज को खाकर, उसके बारे में तो सरकार अभी तक पूरी तरह से मौन है कि खाकर मरने वालों की संख्या कितनी है इस देश में। अगर कैंसर से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए इस देश में और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा तो लाखों के ऊपर निकलेगा। इसलिए अब हमको एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा सारे किसानों को, वो ये कि अब हम जहर वाली खेती नहीं करेंगे, विष अपने खेत में नहीं डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन जैसा जहर नहीं डालेंगे, अब जहर मुक्त खेती करेंगे, विष मुक्त खेती करेंगे। ये संकल्प जिस दिन हमारे किसान लेंगे उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाएगी। और ये संकल्प किसान भाइयों को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप में से कुछ किसान भाई है तो इस बात को गंभीरता से सुनो। जब से किसानों ने यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट की खेती की है, जहर डाला है मिट्टी में, और जब से किसानों ने एंडोसल्फान मेलाथियन जैसे सैकड़ों जहर डाले हैं मिट्टी में, इसमें से पैदा हुआ पशुओं का जो चारा है ना वो पशुओं ने खाया है और पशुओं के शरीर में भी ये जहर गया है। हमारी गाय के शरीर में जहर है डीडीटी, हमारी गाय के दूध में है डीडीटी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, गाय का दूध दुनिया में सबसे अमृत तत्व वाला माना जाता है, उस गाय के दूध में डीडीटी है। भैंस का दूध बहुत शुद्ध माना जाता है, उसमें डीडीटी है। तो पशुओं के शरीर में भी डीडीटी आ गया, इंडोसल्फान आ गया, मेलाथियन आ गया, जहरीले कीटनाशक पशुओं के शरीर में आ गए, क्योंकि उनको चारा वही खाने को मिला जिस चारे को यूरिया डीएपी से पैदा किया गया। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का जो हो गया वो ये, अभी थोड़े दिन पहले मैं कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक गढ़मुक्तेश्वर नाम के छोटे से गांव में गया था एक फार्म को देखने के लिए। वहां जाकर मेरी आंखें फटी रह गई ये जानकर मैं हैरान हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि राजीव भाई ये जहर जो खेतों में डाला है किसानों ने, इस जहर के कारण 63% गाय और भैंस बांझ हो गई है। समझते हैं?
वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, संतान नहीं दे सकते। गाय भैंस 65% गाय भैंस बांझ हो गई, इनफर्टाइल हो गई। और तब मुझे पता चला कि 65% इनफर्टिलिटी का रेट है हमारे पशुओं में, माताओं में, बहनों में। आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 20-25% तो माताओं बहनों में निकल आएगा अगर यही आंकड़ा हम कोशिश करें। गुजरात में है, स्वामी जी कह रहे हैं गुजरात में तो ये है ही 20-25% में, गुजरात के कुछ जिलों में जहां शायद ये जहर ज्यादा मिलता होगा। तो हमारी माताओं बहनों में 20-25% इनफर्टिलिटी बांझपन आ जाए, हमारी गाय और भैंसों में 65% बांझपन आ जाए, अंतिम दुष्परिणाम जानते हैं क्या होगा? जब गाय और भैंस बांझ हो जाती है, संतान देने में असमर्थ हो जाती है, कोई किसान उसको घर में खाना खिलाने को तैयार नहीं होता, वो सीधे उनको कसाई को बेच देता है और कसाई ऐसी गाय और भैंसों को काटकर उनका मांस दुनिया के देशों को बेच देते हैं। हर साल हमारे देश में गाय बैल भैंस जैसे बड़े 4 करोड़ पशु इसी कारण से कट जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा और एहसास करने की कोशिश करिए कि यूरिया, डीएपी, एंडोसल्फान जैसे जहर ने हमारे पशुओं को बांझ बना दिया और अंतिम स्थिति में वो पशु कतल खाने में कटने के लिए जा रहे हैं। 4 करोड़ पशु हमारे कट रहे हैं हर साल, और उन 4 करोड़ पशुओं का एक छोटा सा हिसाब मैंने निकाला कि इन्हीं 4 करोड़ पशुओं को अगर हम कटने से बचा सके और इनका बांझपन का इलाज कर सके तो यही 4 करोड़ पशु हर साल इस भारत देश को 15,000 करोड़ की आमदनी दे सकते हैं। माने हर साल 15,000 करोड़ की आमदनी का नुकसान हो रहा है पशुओं के कटने से। गाय और भैंस मां नहीं बन पा रही है, बच्चों को नहीं दे पा रही है, किसान कसाई खाने में बेच रहे। तब मुझे समझ में आया कि दिन दूनी रात चौगनी ये कसाई खानों की तरक्की कैसे बढ़ रही है। हमारे यहाँ दूध देने वाली डेयरियां तो कम होती जा रही है, दूध का उत्पादन तो घटता जा रहा है, लेकिन पशुओं को काटने वाले कतल खाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच का ही सर्वे करो तो पशुओं को काटने वाले कतल खानों के विकास की दर 300% से बढ़ी है यहाँ पर। तो बात समझ में आ गई बिल्कुल साफ साफ कि पशुओं को काटने के कतल खाने तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक गाय और भैंस हमारी बांझ रहेंगी, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगी, तो किसान उसको कसाईयों को ही बेचेगा क्योंकि वो और किसी काम के हो नहीं सकते। तो कसाई उसको काटेंगे और उसका मांस भी बाजार में बिकने के लिए ही जाएगा। तो अगर हमें ये कतल खाने बंद कराने हो, अपने पशुओं की जान बचानी हो, अपनी अर्थव्यवस्था में 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी हो और 12 लाख करोड़ रुपए जो फालतू में हमारा बर्बाद हो रहा है इसको किसी तरह से बचाना हो, देश की धरती माता को समृद्ध बनाना हो, विषमुक्त बनाना हो, जहर मुक्त बनाना हो, शुद्ध बनाना हो, सात्विक बनाना हो, तो एक ही उपाय बचा है, सिर्फ एक है कि हमारे किसान जल्दी से जल्दी ये जहर वाली खेती बंद कर दें, विष डालने वाली खेती बंद कर दें, जहर मुक्त खेती करें, विष मुक्त खेती करें। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। फिर किसान भाई पूछेंगे, अच्छा ठीक है आपकी बात मान लिया, हम जहर नहीं डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, एंडोसल्फान मेलाथियन नहीं डालेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा? मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ सरल भाषा में। अगर आप किसान हैं और खेती करते हैं तो एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे खेत में जो कुछ भी पैदा होता है, पौधे का निर्माण जो खेत में होता है, बीज, बीज में से पौधा, पौधे से फल, तो फल ज्यादा से ज्यादा मिले, तो पौधा अच्छे से अच्छा हो, तो बीज अच्छे से अच्छा हो, और जिस मिट्टी में बीज डाला गया वो मिट्टी अच्छे से अच्छी हो, ये सीधा एक चक्र है। तो मिट्टी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, फल तो अच्छा मिलने ही वाला है। तो मिट्टी को अच्छा बनाना है तो एक ही रास्ता है, उसको जहर मुक्त करो। उसमें जो आपने पिछले 40 साल से यूरिया डीएपी के नाम पर, एंडोसल्फान के नाम पर जो डाला है, ये मिट्टी से बाहर निकालो। अब आप बोलोगे जी मिट्टी से जहर बाहर निकालें, इसके लिए कौन सी रासायनिक क्रिया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको इतनी सुंदर वस्तु दी है, मिट्टी का जहर 3 साल में पूरा खत्म हो जाता है अगर लगातार उस मिट्टी में पशुओं का गोबर और मूत्र मिलाकर डाला जाए।
जैसे गाय है, जैसे भैंस है, जैसे बैल है, तो गाय बैल भैंस का गोबर, गाय बैल भैंस का मूत्र, पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, ये दोनों मिलाकर मिट्टी में लगातार डाला जाए अगर, तो मिट्टी 3 साल में पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाती है। आप बोलेंगे वो कैसे? ये जो पशुओं का गोबर है इसमें जहर को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत है। जैसे आपके शरीर में जहर चला जाए ना तो उस जहर की सफाई करने की ताकत आपकी किडनी में है, वैसे ही पशुओं के गोबर और मूत्र में जहर को साफ करने की सबसे ज्यादा प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई ताकत है। तो पशुओं का गोबर और पशुओं का मूत्र अगर भरपूर मात्रा में मिट्टी में डाला जाए तो 1 साल लगातार डालो, 2 साल लगातार डालो, 3रे साल डालते डालते मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से सात्विक हो जाती है। उस मिट्टी में विष पूरी तरह से खत्म हो जाता है और 100% मिट्टी निरापद हो जाती है, विष मुक्त हो जाती है। अब आप बताओ इससे सस्ता और इससे अच्छा इलाज कहाँ हो सकता है? और इसका 2 फायदे, एक तो मिट्टी हमारी जहर मुक्त हो गई, विष मुक्त हो गई, दूसरा पशुओं का गोबर और मूत्र अगर हमने खेत में डाला और उस गोबर और मूत्र से ये काम हुआ तो पशुओं की इज्जत हमारे जीवन में बढ़ गई, उनका सम्मान हमारे जीवन में बढ़ गया, क्योंकि वो हमारे लिए दूध के अलावा भी लाभकारी सिद्ध हुए। और पशु अगर ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने लगे किसानों को तो फिर कोई किसान पशु को बेचेगा ही नहीं और कसाई के हाथ में वो लगेगा ही नहीं, तो काटने को उन्हें मिलेगा क्या, तो कतल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। तो पशु हत्या का पाप जो इस देश के माथे पर लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, भूल जाएगा, वो भी काम होता है। वो माता की हत्या का कलंक भी मिटेगा। और जिन ICAR के वैज्ञानिकों ने कुछ काम किया है पिछले 10-12 वर्षों में, वो मुझे बताते हैं कि अगर खेत में लगातार गोबर गोमूत्र डाला जाए, उसमें से घास चारा पैदा किया जाए और वो घास चारा 3 साल किसी भी गाय भैंस को लगातार खिला दिया जाए तो गाय भैंस का बांझपन भी खत्म हो जाता है और 4थे साल वो संतान देने की स्थिति में आ जाती है। एक वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत रिसर्च किया उनका तो यहां तक कहना है कि ये पशुओं के शरीर में जो जहर चला गया है इस जहर को बाहर निकालने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को लगातार पशुओं को खिलाया जाए तो पहले ही वर्ष में बहुत सारी गाय और भैंस मां बन जाती है। और उस वैज्ञानिक ने 1000 गाय और भैंसों पर यह परीक्षण किया है और उनका नाम है डॉक्टर विनोद, उनसे मेरी बहुत लंबी वार्ताएं हुई है। उनका ये कहना है कि जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद की, जिनको हम 3-4 खुराक खिलाते हैं किसी भी गाय और भैंस को, सारे शरीर का जहर उनका निकल जाता है और जो गाय भैंस 3-4 साल से मां नहीं बनी है वो पहली बार में ही मां बन जाती है और मां बनते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर कोई किसान उसको कसाई को बेचने की सोचता भी नहीं है, वो घर में ही उसको बांध के रख लेता है, तो बांझपन की समस्या का भी समाधान होता है। तो खेत में हम डालें गोबर और मूत्र और मिट्टी को बनाएं शुद्ध और पवित्र और उसमें से जो उत्पादन है वो हम भी खाएं, हमारे पशुओं को खिलाएं, हम भी स्वस्थ बने, हमारे पशु भी स्वस्थ बने। आप सोचें आपको निरापद भोजन मिलने लगे, सजीव भोजन मिलने लगे, स्वस्थ भोजन मिलने लगे, जहरमुक्त भोजन मिलने लगे तो आपके शरीर का कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन खत्म होता, देश की खतरनाक बीमारियां कम होती हैं, उन बीमारियों के लिए खर्च होने वाला 7 लाख करोड़ रुपए बचता है और वो 7 लाख करोड़ रुपए अगर देश के उत्पादन के और विकास के काम में लगा दिया जाए तो देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी 3-4 साल में ही मिटती है। तो रास्ता देखिए है कि हम हमारे खेतों में जहर और विष डालना बंद करें, गोबर गोमूत्र डालें। अब आप एक सवाल अक्सर मन में आता है और किसान मुझे कहते रहते हैं, बोलिए कि क्या गोबर और मूत्र से उत्पादन उतना ही होता है जितना यूरिया DAP से होता है? मैं आपको इस बात को विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि गोबर और मूत्र से उत्पादन ज्यादा होता है यूरिया DAP की तुलना में और दुनिया भर में ये परीक्षण हो गए। मैं आपको भारत के ही बारे में जानकारी देता हूं। भारत में हैदराबाद में एक संस्था है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काम करती है, सतत कृषि उसको हिंदी में कहते हैं। इस संस्था के द्वारा 20 लाख एकड़ जमीन में पिछले कई वर्षों से गोबर और मूत्र की खेती की जा रही है और उनका कहना है कि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, 10-12-15-20% से लेकर 200% तक उत्पादन बढ़ा है किसानों का, गोबर और मूत्र की खेती में इतनी ताकत है।
मैं आपको किसान भाई बहन है, अगर आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, ये कि पौधे को बड़ा होने के लिए और पौधे पर अच्छा फल लगने के लिए सबसे ज्यादा काम में अगर कोई चीज आती है ना, तो वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में जिस पौधे को मिलेगा, उस पौधे की बढ़त माने ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, उसका फल भी सबसे अच्छा होगा। जमीन से मिलने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है सल्फर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है मैग्नीशियम। तो ये छह तरह के रसायन है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। बाकी जितने भी रसायन है जिनकी संख्या 12 है, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉपर है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे मैंगनीज है, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये कुल मिलाकर 18 है। इनकी सबसे ज्यादा उपलब्धता अगर कहीं पर है तो वो पशुओं के गोबर और मूत्र में ही है, और उसके बाद भगवान की बनाई गई मिट्टी में है और कहीं भी नहीं है। आप जानते हैं यूरिया DAP सुपरफॉस्फेट में तो तीन ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं। बाकी चाहिए तो गोबर की तरफ ही लौटना पड़ेगा, मूत्र की तरफ ही लौटना पड़ेगा। कैल्शियम तो है ना यूरिया में, मैग्नीशियम तो है ना यूरिया में, मैग्नीज तो है ना यूरिया में, कोबाल्ट तो है ना यूरिया में, कॉपर तो है ना यूरिया में, और ये सब चाहिए मिट्टी को और पौधे को। तो यूरिया से तो मिलेगा नहीं, DAP में भी नहीं मिलेगा, सुपरफॉस्फेट में भी नहीं मिलेगा, उसमें तो तीन ही केमिकल मिलने वाले हैं। और खेत की मिट्टी को चाहिए 18 तरह के केमिकल, वो तो मिलेंगे गोबर और मूत्र से ही, क्योंकि गोबर और मूत्र में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप गोबर और मूत्र की खेती करें तो भूमि को सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादन की दर बढ़ेगी, आपको फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन ज्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और जो उत्पादन आपको मिलेगा उसको बाजार में जब आप बेचेंगे तो उसका मूल्य भी भरपूर मिलेगा, कीमत भी भरपूर मिलेगी। आप मुंबई में कभी जाओ, जब आम का सीजन आता है तो मुंबई के बाजार में मैंने खूब देखा है, यूरिया DAP का आम खरीदो, हापुस, अल्फेंजो, तो आराम से मिल जाता है एक पेटी 200, 250, 300 रुपए का। और वही हापुस और अल्फेंजो खरीदो गोबर और मूत्र वाला, तो एक पेटी मिलता है 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का। इस बार मैंने एक हापुस आम की कीमत मुंबई के बाजार में पता की थी 65 रुपए, क्योंकि उसका एक ही क्वालिटी था कि वो गोबर और मूत्र से पैदा किया हुआ है, और उसी के बराबर में 15 रुपए का दूसरा वैसा ही हापुस आम था, लेकिन उसकी क्वालिटी थी कि वो जहर के द्वारा उत्पादित किया हुआ है। मतलब सीधा सा ये है कि अगर गोबर मूत्र से खेती आप करते हैं तो उसके उत्पादन को भी बाजार में 4-5 गुनी कीमत आराम से मिलती है। भिंडी 40 रुपए किलो बिकती है जो गोबर मूत्र से पैदा होती है, और जो यूरिया DAP वाली भिंडी है उसको 15-20 रुपए में भी कोई नहीं पूछता है। टमाटर का भाव, बैंगन का भाव, आलू का भाव सब ज्यादा है जो गोबर मूत्र से पैदा, गोबर मूत्र से पैदा किया हुआ गेहूं 21 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए, 30 रुपए किलो आराम से बिकता है, और यूरिया DAP का गेहूं 10-11 रुपए किलो में कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। तो हर वस्तु जो हम पैदा करेंगे गोबर और मूत्र से, उसका भाव अच्छा है, उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, जमीन सुधरेगी, फसल का उत्पादन सुधरेगा, आप खाएंगे तो आपका शरीर सुधरेगा, दूसरे खाएंगे तो उनका शरीर सुधरेगा, सब तरफ से देश के लिए अच्छा है गोबर गोमूत्र की विष मुक्त खेती करना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी किसान भाइयों से कि जल्दी से जल्दी वो अपने खेत को विष मुक्त बनाए और गोबर गोमूत्र को खेत में लाए। अब आप ये पूछेंगे कि जरा मात्रा बता दो, गोबर कितना डालना, मूत्र कितना डालना, खेत में कब कब डालना, किस फसल में कितना डालना, ये तकनीकी सवाल अक्सर हमारे सामने आ जाता है। तो मैं एक सरल सूत्र बताता हूं जिसको भारत में पिछले 12-15 वर्षों में हजारों किसानों ने अपनाया है और बहुत लाभ उनको हुआ है। किसी भी एक एकड़ खेत में आप चाहें तो इस सूत्र को लिख लीजिए, ताकि आप अपने महाराष्ट्र के गांव गांव में जाकर किसानों को बता सकें, क्योंकि किसानों को जब भी आप ये समझाएंगे कि गोबर गोमूत्र की खेती करो तो वो एक ही प्रश्न करेंगे, हमको तो मालूम ही नहीं है गोबर कितना मिलाना, मूत्र कितना मिलाना, क्या क्या उसमें डालना, कितनी कितनी बार डालना। तो ये आप लिख लेंगे तो आपको लाभ होगा, और बता सकेंगे आप किसानों को तो उनको और ज्यादा लाभ होगा। एक एकड़ खेत के लिए
किसी भी फसल में एक एकड़ खेत के लिए, फसल कोई भी हो, गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, मूंगफली की हो, या तो सब्जियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, एक एकड़ खेत के लिए एक बार में 15 किलो गोबर लगता है। और ये गोबर किसी भी जानवर का हो, बड़े जानवर का हो, गाय का हो, या तो बैल का हो, या तो भैंस का हो, बड़े जानवर हमारे गांव में ये तीन ही है, गाय बैल भैंस, तो या तो गाय का, या तो बैल का, या तो भैंस का 15 किलो गोबर, और उसमें मिलाइए 15 लीटर मूत्र उसी जानवर का, गाय का, या तो बैल का, या तो भैंस का, 15 किलो गोबर, 15 किलो मूत्र दोनों मिला लीजिए प्लास्टिक के ड्रम में, और मिलाकर इसमें 1 किलो गुड़ डाल दीजिए, गुड़, और गुड़ ऐसा डालिए जो हम नहीं खा सकते, जानवर भी नहीं खा सकते, खराब हो जाता है, बहुत बेकार होता है, जिस गुड़ को कोई नहीं खाता, जिसमें बदबू आने लगती है, जो पानी की तरह से फैल जाता है, बेकार समझ के हम जिसको फेंक देते हैं, वो गुड़ खाद बनाने में सबसे अच्छा काम आता है। तो 1 किलो गुड़, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, फिर इसमें 1 किलो डालिए दाल का आटा, उड़द की दाल है तो सबसे अच्छा, मूंग की दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, अरहर की दाल हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, खेसारी की दाल हो सकती है, सोयाबीन की दाल हो सकती है, कोई भी दाल। 1 किलो दाल का आटा, दाल को पीसकर उसका पाउडर या आटा, और अंत में 1 किलो मिट्टी, मिट्टी डालनी है एक ऐसे पेड़ के नीचे से उखाड़कर जो पेड़ बहुत साल पुराना आपके गांव में लगा हुआ है, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पुराना पेड़ हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना, उस खेत के नीचे से 1 किलो मिट्टी खोदकर इसमें डालना, तो 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये 5 वस्तुओं को प्लास्टिक के ड्रम में मिला देना, डंडे से मिला देना, चाहे हाथ से मिला देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलाने के बाद इसको 15 दिन तक रखना, इसमें 15 दिन तक एक ही काम करना, सुबह और शाम डंडे से इसको घुमाते रहना, 15 दिन तक इसको ऐसे ही रख देना ड्रम में मिलाते, और डंडे से सुबह शाम घुमाते रहना, 15 दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में लगभग 150 से 200 लीटर पानी मिलाना, कम से कम 150 लीटर, अधिक से अधिक 200 लीटर, और अधिक से अधिक सीधे ही लिख लीजिए 200 लीटर पानी मिलाकर, अब ये जो घोल तैयार हो गया है ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त खाद है, 1 एकड़ खेत के लिए। अगर 2 एकड़ खेत है तो ये सभी मात्राओं को 2 गुना कर दीजिए, 3 एकड़ खेत है तो सभी मात्राओं को 3 गुना कर दीजिए, एकड़ के हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए। अब इसको खेत में डालना कैसे है, अगर खेत खाली है, कोई फसल खेत में नहीं है, तो इसको सीधे स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी को भिगाने के हिसाब से, डब्बे में भर भर के छिड़क सकते हैं, स्प्रे पंप में भर के छिड़क सकते हैं, स्प्रे पंप का नोजल निकाल देंगे तो ये छिड़कना आसान होगा, अगर नोजल लगा हुआ तो उसमें ये फंस जाएगा, तो नोजल निकाल के छिड़क सकते हैं। तो खाली खेत में मिट्टी पे छिड़कना है, और फसल अगर खेत में खड़ी हुई है तो जब फसल में पानी लगाएंगे तो पानी के साथ इसको मिला देना है। मान लीजिए आपके खेत में फसल लगी है और पानी के लिए नाली आपने बना रखी है, उस नाली के मुहाने पर कोई बैठ जाएगा और डब्बे से इसको पानी में डालता जाएगा, पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए ये खाद पर्याप्त है, और इसको आप हर 21 दिन में दोबारा से डाल सकते हैं, आज आपने डाला तो 21 दिन बाद फिर डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं, मतलब इसका है कि 3 महीने की फसल है तो कम से कम 4 से 5 बार डाल दीजिए, 4 महीने की फसल है तो 5 से 6 बार इसको डाल दीजिए, 6 महीने की फसल है तो 7-8 बार डाल दीजिए, साल भर की फसल है जैसे आप गन्ना लेते हैं, ऊस लेते हैं, तो उसमें आप इसको कम से कम 14-15 बार डाल दीजिए, इसको हर 21 दिन में डालते जाना। तो ये खाद से आप किसी भी फसल को भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, गेहूं, धान, चना, चावल, दाल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, सब तरह की फसलों में ये डालकर देखा गया है, इसके बहुत अच्छे और बहुत अद्भुत परिणाम है। Thank you.
क्या आता है उसका कि आपकी जिंदगी का जो खाद का खर्चा है 60% वो एक झटके में खत्म हो गया। फिर दूसरा खर्चा क्या खत्म होता है, जब आप ये गोबरमूत्र का खाद डालेंगे तो खेत में विष कम हो जाएगा, तो जंतुनाशक डालना और कम हो जाएगा, कीटनाशक डालना और कम हो जाएगा, यूरिया डीएपी का असर जैसे जैसे मिट्टी से कम होता जाएगा, बाहर से आने वाले कीट और जंतु भी आपके खेत में कम होते जाएंगे, तो जंतुनाशक और कीटनाशक डालने का खर्च भी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। और लगातार 3-4 साल आपने ये खाद बनाकर डाल दिया तो लगभग तय मानिए आपके खेत में कोई भी जहरीला कीट और जंतु आएगा नहीं, तो उसको मारने के लिए दवा डालने की जरूरत और गरज भी नहीं पड़ेगी। तो 20% में तो फालतू खर्चा था वो भी बच जाएगा, माने खेती का 80% खर्चा आपका बच जाएगा। दूसरी बात इस खाद के बारे में कि ये सभी फसल के लिए है, कोई भी फसल रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो, हमारे यहाँ फसल चक्र में 3 मुख्य फसलें हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों तरह की फसलों में ये काम आता है। इसलिए इस फॉर्मूले में ज्यादा कोई जटिलता नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और जानवर जो गोबर दे रहा है, मूत्र दे रहा है, वो आसानी से किसी भी गांव में मिल जाते हैं, भले वो दूध ना दें लेकिन गोबर और मूत्र तो वो दे ही दे रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की बात है। गोबर इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, जानवरों का मूत्र इकट्ठा करना भी आसान है। जब भी जानवर मूत्र देते हैं आप ऐसा करिए, उनको बांधने का जो स्थान है जानवरों का, वो थोड़ा मिट्टी से और ईंट से थोड़ा पक्का बना दीजिए, सीमेंट कर दीजिए या पत्थर लगा दीजिए, और उस स्थान को थोड़ा ढाल दे दीजिए, फिर उसमें एक नाली बना दीजिए और बीच में एक खड्डा डाल दीजिए, तो जो भी मूत्र करेंगे जानवर वो सब नाली में आ जाएगा, खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। अब जानवरों के मूत्र की एक विशेषता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, गाय के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, बैल के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, भैंस के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कितने भी दिन पड़ा रहे खड्डे में वो खराब बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप बिल्कुल निर्द्वंद तरीके से इसका इस्तेमाल करिए, मन में कोई द्वंद मत लाइए कि ये पुराना हो गया कि ये नया हो गया। हमने तो ये अनुभव पाया है कि जितना पुराना जानवरों का मूत्र होता जाता है क्वालिटी उतनी ही अच्छी उसकी होती जाती है। और ये जितने भी मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों के कीटनाशक जंतुनाशक है सबकी एक्सपायरी डेट है, आप जान लीजिए, और उसके बाद भी कीड़े मरते नहीं है, और किसान उसको कई बार चख कर देखते हैं कि नकली तो नहीं है, किसान मर जाते हैं, कीड़े नहीं मरते उससे।
तो मल्टीनेशनल के कीटनाशक लेने से अच्छा है कि गाय के मूत्र, भैंस के मूत्र, दरी के मूत्र का उपयोग करना। तो इसको खाद में इस्तेमाल करिए, ये एक तरीका है। हर 21 दिन पर इस्तेमाल करिए, हर फसल में इस्तेमाल करिए। लगातार 3 साल इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी को एकदम पवित्र और शुद्ध बना देगा। मिट्टी में एक कण भी जहर का नहीं बचेगा 3 साल के बाद इस खाद का इस्तेमाल करने से। दूसरा, आप इसी तरह से कीटनाशक भी खुद तैयार कर सकते हैं। बाजार से किसी विदेशी कंपनी का 15,000 रुपये लीटर का कीटनाशक लाने से अच्छा है इन जानवरों के मूत्र से ही कीटनाशक बना लेना। तो अगर जरूरत पड़े, कभी किसी फसल में आपको कीट लग गया, कोई जंतु लग गया, उसको खत्म करना है, उसको मारना है, तो उसके लिए भी एक सूत्र आप लिख लीजिए। कीटनाशक बनाना भी बेहद आसान है, कोई भी किसान भाई अपने घर में बना सकते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 एकड़ खेत के लिए अगर कीटनाशक तैयार करना है तो 20 लीटर जानवरों का मूत्र चाहिए, चाहे तो गाय का, चाहे तो बैल का, चाहे तो भैंस का। 20 लीटर, 20 लीटर मूत्र में लगभग 2.5 किलो, आधा किलो प्लस माइनस हो सकता है, 2.5 किलो से 3 किलो हो सकता है, 2.5 किलो का 2 किलो भी हो सकता है। तो आधा किलो प्लस माइनस रख के बोल रहा हूं, लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम नीम की पत्ती को पीस कर उसकी चटनी मिलाइए 20 लीटर मूत्र में। नीम के पत्ते को पीस कर उसकी चटनी, नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निंदौली की चटनी। आप जानते हैं नीम पर एक फल लगता है निंदौली जैसा, वो अगर मिल जाए तो 2.5 किलो निंदौली की चटनी वही 20 लीटर मूत्र में मिलाना है, नहीं तो 2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी। इसी तरह से एक दूसरा पत्ता होता है भतूरे का पत्ता, लगभग 2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी, 2 किलो 500 ग्राम धतूरा। आप सभी जानते हैं, आसानी से गांव के किसान उसको पहचानते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां धतूरा नहीं होता। तो धतूरे के पत्ते की चटनी। तीसरा एक पेड़ होता है जिसको आंकड़ा कहते हैं, आंख भी कहते हैं कई लोग, आंकड़ा भी कहते हैं, अर्क मदार कहते हैं उसको आयुर्वेद में। तो अर्क मदार, आंकड़ा, आंख, इसके भी पत्ते लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम इसकी चटनी। और इसके बाद चौथा एक पेड़ है जिसको बेलपत्री कहते हैं, जिसके पत्ते शंकर भगवान के ऊपर आप सब चढ़ाते हैं, बेलपत्री, बेलपत्र, बिल्व पत्र भी कहते हैं कुछ लोग उसको। तो बेलपत्री, बिल्व पत्र के 2.5 किलो पत्ते की चटनी। और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है सीताफल, हमारे उत्तर भारत में उसको शरीफा कहते हैं, महाराष्ट्र में सीताफल और कई जगह सीताफल कहते हैं। तो सीताफल के पत्ते की चटनी 2.5 किलो। आड़ू, अगर आड़ू के पत्ते मिल जाए तो वो भी 2.5 किलो लगभग। परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं कि आड़ू के पत्ते में कीट को मारने की या खत्म करने की सबसे ज्यादा शक्ति है, उसका रस पड़ते ही कीट मरते हैं। तो आड़ू के पत्ते अगर मिल जाए तो और भी अच्छा। तो ये 5-6 तरह के पेड़ों के पत्ते आप ले लो 2.5 किलो, इनको पीसकर 20 लीटर जानवरों के मूत्र में डालकर उबालना है, गर्म करना है। और इसमें थोड़ा उबालते समय 0.5 किलो से 750 ग्राम तक तंबाकू का पाउडर और डाल देना, तंबाकू का पाउडर 0.5 किलो कम से कम, 750 ग्राम अधिक से अधिक, ये डालकर उबाल लेना है। उबालकर इसको ठंडा कर लेना है, और ठंडा करके इसको आप बोतलों में भर के रख लीजिए। ये कभी भी खराब नहीं होता, ये कीटनाशक तैयार हो गया। अब इसको डालना कैसे, स्प्रे कैसे करना है, जितना कीटनाशक लेंगे उसका 20 गुना पानी। अगर 1 लीटर कीटनाशक लिया तो 20 लीटर पानी, 10 लीटर कीटनाशक लिया तो 200 लीटर पानी। जितना कीटनाशक आपका तैयार हो गया उसको अंदाजा लगा लीजिए आप, जितनी उसकी मात्रा तैयार हो गई उसका 20 गुना पानी उसमें मिला दीजिए। मिलाकर इसको आप खेत में छिड़क सकते हैं किसी भी फसल पर। और इसको छिड़कने का परिणाम ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर, लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर, जिस फसल पर आपने स्प्रे किया उस पर कीट और जंतु आपको दिखाई नहीं देंगे, कीड़े और जंतु सब पूरी तरह से 2-3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली ये कीटनाशक बनके तैयार होता है। ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के कीटनाशक से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है और एकदम फोकट का है, बनाने में कोई खर्चा नहीं है। जानवरों का मूत्र मुफ्त में मिल जाता है,
आपको नीम के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे, निम्बोली मुफ्त में मिल जाएगी, आकरा के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे, आलू के पत्ते, सब तरह के पत्ते मुफ्त में हर गांव में उपलब्ध हैं। तो ये आप कीटनाशक के रूप में, जंतुनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल करिए। और तीसरी एक जानकारी और देना चाहता हूँ, अच्छी उत्पादन और फसल लेने के लिए जो बीज आप खेत में डालते हैं उस बीज को पहले संस्कारित करिए, फिर मिट्टी में डालिए। बीज संस्कार करने के लिए एक छोटा सा सूत्र और बताना चाहता हूँ, जिसमें बीज को डुबो कर रखिए फिर खेत में डालिए। मान लीजिए आपको गेहूं का बीज लगाना है, मान लीजिए बाजरे का बीज लगाना है या मक्की का बीज लगाना है, तो बीज ले लीजिए एक किलो। एक किलो बीज के अनुसार ये सूत्र मैं बता रहा हूँ, अगर दो किलो हो तो सब चीजों को दुगना कर लीजिएगा। एक किलो जानवरों का गोबर ले लीजिए, किसी भी जानवर का हो, गाय का, बैल का, भैंस का, एक किलो गोबर ले लीजिए और उसी जानवर का एक किलो मूत्र ले लीजिए। गोबर और मूत्र को आपस में मिला दीजिए, फिर इसमें 100 ग्राम कलई चूना मिलाना है। कलई चूना आप समझते हैं जिससे पुताई करते, चूने का पत्थर बाजार में आता है, 100 ग्राम का पत्थर खरीदेंगे 10-15 पैसे में मिल जाएगा। उस चूने के पत्थर को एक दिन पहले पानी में डाल दीजिए, 2-3 लीटर पानी में। रात भर में वो पानी एकदम गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा होकर चूना शांत होकर नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर इसको घोल लीजिए चूना और पानी को, और इसको एक किलो गोबर 1 लीटर मूत्र वाले पात्र में डाल दीजिए। तो गोबर मूत्र और 100 ग्राम कलई चूने में जितना पानी तैयार हुआ वो सब मिला दीजिए और अच्छे से घोल कर इसमें बीज को डाल दीजिए। गेहूं का बीज हो या तो मक्की का हो या तो सब्जियों का, कोई भी बीज को डाल दीजिए। 1 किलो बीज इसमें आराम से भीग जाता है, वैसे अगर आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो 2 किलो तक बीज भीग जाए। बीज को इसमें 2-3 घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक डाल के रखिए। रात में डाल दीजिए, सुबह हो गई तो बीज को निकाल लीजिए। निकाल कर इस बीज को छांव में सुखा दीजिए, और छांव में सुखाने के बाद ये बीज को आप खेत की मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये बीज जो लगेगा मिट्टी में, ये संस्कारित हो गया। अब इस संस्कारित बीज के दो फायदे हैं, एक तो फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा और इस फसल पर जल्दी कोई कीट नहीं लगेगा, जल्दी कोई जंतुनाशक से आपको मुक्ति मिल गई और फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया। तो बीज संस्कार करने का एक सूत्र है, कीटनाशक बनाने का एक सूत्र है और खाद बनाने का एक सूत्र है। इन तीन सूत्रों का भरपूर प्रयोग आप अपने खेत में करिए और अपने किसान मित्रों को, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसको बताइए। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप में से कोई किसान भाई बहन है तो इस वर्ष अपने खेत के कम से कम 1 एकड़ में ये करके देखिए, और 1 एकड़ में आपने ये करके देखा, इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो अगले वर्ष आप पूरे खेत में करिए, और ज्यादा अच्छा परिणाम आया तो पूरे गांव के खेत में करा दीजिए इसको, फिर पूरे जिले के खेतों में करा दीजिए। जैसे आप गांव-गांव जाकर योग प्राणायाम सिखाते हैं ना, वैसे गांव-गांव जाकर किसानों को ये सूत्र सिखाना शुरू कर दीजिए गोबर गोमूत्र की खाद का। तो योग प्राणायाम से तो शरीर दुरुस्त हो जाएगा और ये गोबर गोमूत्र की खाद से उनका खेत अच्छा हो जाएगा, मिट्टी अच्छी हो जाएगी, तो सोने में सुहागे की स्थिति बन जाएगी। माने इधर शरीर स्वस्थ हुआ, उधर मिट्टी स्वस्थ हुई, उसमें जो पैदा हुआ अनाज स्वस्थ मिला, उसमें जो पैदा सब्जियां स्वस्थ मिली, उसमें से घास चारा अच्छा पैदा हुआ, घास चारा जानवर खाएंगे दूध बढ़ेगा और उनकी बीमारियां कम होंगी, हम स्वस्थ भोजन खाएंगे हमारी बीमारियां कम होंगी, डॉक्टरों का खर्चा बचेगा, तो सारे जड़ मूल से व्यवस्था का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर एक गांव में एक किसान भाई ने भी ये कर लिया तो 1 साल के अंदर पूरा गांव इसको कर लेगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि भारत के किसान इतने होशियार हैं, इतने अकल वाले हैं कि अच्छी चीज देखते हैं तो उसका पालन करने में वो बिल्कुल देरी नहीं करते। बस इतना ही आपको ये करना पड़ेगा कि जो सूत्र मैंने आपको हिंदी में बता दिया आप इसका मराठी भाषांतर करके बताएंगे तो महाराष्ट्र के किसानों को और जल्दी और गहराई से ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और किसान भाइयों को एक बात बताइए जो उनके दिमाग से भ्रम निकालना है। भारत के आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों ने एक भ्रम किसानों के मन में डाल दिया है, वो भ्रम आप निकालिए। किसानों को ये समझाइए कि फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन सूरज की पड़ने वाली धूप से तय होता है, ना किसी दूसरी चीज से। जिस पौधे को धूप जितनी अच्छी मिलेगी, जिस पौधे को पानी जितना स्वच्छ और साफ मिलेगा, जिस पौधे को हवा जितनी अच्छी मिलेगी, उसका उत्पादन उतना अच्छा होगा।
दूसरा मिट्टी में से पौधा जो लेता है सूक्ष्म पोषक तत्वों को, वो कुल मात्रा का 5% से ज्यादा नहीं होता। मात्र 5% ही पौधा मिट्टी से लेता है, 95% पौधा सूर्य से, हवा से और पानी से लेता है। इसलिए किसानों को यह समझाइए कि सूरज की धूप पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर वो ध्यान दें, ना कि खेत की मिट्टी में से सूक्ष्म पोषक तत्व तो ज्यादा मिले। मिट्टी से तो 5% लेना है, इससे ज्यादा वो लेगा नहीं। और एक बात आप किसान भाइयों को बताइए कि और अच्छा उत्पादन अगर लेना है अपने खेत में, ये तो एक तरीका हुआ उत्पादन लेने का, खर्चा कम करना, उत्पादन ज्यादा लेना। इससे भी अच्छा उत्पादन अगर खेत में से लेना है तो किसान भाइयों को कहिए कि एक फसल के साथ दूसरी फसल जरूर करें, दूसरी फसल के साथ तीसरी फसल करें, तीसरी के साथ चौथी करें, माने जिसको हम लोग मिक्स क्रॉप कहते हैं ना, कई फसलें एक साथ करना, ये सबसे ज्यादा उत्पादन लेने का अच्छा तरीका है। जैसे मैं आपको महाराष्ट्र के हिसाब से बताना चाहता हूं, कपास महाराष्ट्र में बहुत होता है, तो किसानों को कहिए कि कपास के साथ तुअर की खेती जरूर करें, दोनों का उत्पादन बढ़ता है, तुअर का भी उत्पादन बढ़ेगा, कपास का भी बढ़ेगा। कारण क्या है, कपास मिट्टी में से जिस सूक्ष्म पोषक तत्व को ज्यादा लेता है, तुअर उसी सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी को ज्यादा देती है। कपास की अच्छी फसल होने के लिए नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, और तुअर का जो जड़ होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है मिट्टी में, तो तुअर को कपास के साथ लेना शुरू करें, दोनों का उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह से गेहूं के साथ ऐसी दूसरी कई सारी फसलें हैं जो हमारे किसान कर सकते हैं, जैसे गेहूं के साथ सरसों बहुत अच्छे से होता है, सरसों का भी उत्पादन ज्यादा मिलता है, गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। और मेरे से ज्यादा ये बात तो किसान जानते हैं, सैकड़ों साल से वो खेती कर रहे हैं, उनको कहिए कि 50 साल पहले आप जो जो फसलें एक दूसरे के साथ मिक्स करके करते थे वो सब शुरू कर दीजिए, तो सबसे ज्यादा उत्पादन उसी में मिलता है और मिट्टी का सुधार सबसे ज्यादा उसी में होता है। मैंने यहाँ उत्तराखंड में देखा है और हिमाचल में देखा है, बहुत सारे किसान भाई एक साथ एक ही खेत में 7 फसल लगाते, 7 फसल लगाते, और हर फसल ज्यादा होती है उनकी, और ये काम वो सैकड़ों साल से करते चले आ रहे हैं। तो इसी तरह के किसान भाई हमारे पूरे भारत देश में एक साथ कई फसलें लगाएंगे अपने खेत में, तो इससे उनको बहुत लाभ होने वाला है। और एक भ्रम हमारे किसानों का दूर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। किसानों को निवेदन ये करना है कि ये गोबर गोमूत्र का जो खाद हम खेत में डालेंगे, इस खाद की मदद से पानी बहुत कम खेत को लगता है। यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो बहुत ज्यादा पानी खेत में लगाना पड़ता है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, अगर यूरिया डीएपी से गेहूं की खेती करें तो कम से कम पूरी खेती को करने में 5 से 6 बार पानी देना पड़ता है, लेकिन गोबर और गोमूत्र से गेहूं की खेती करें तो 3 बार और 2 बार पानी देने में ही बहुत अच्छी भरपूर खेती हो जाती है। माने पानी का उपयोग भी कम होता जाता है। और ये बात ध्यान देने की है कि गोबर गोमूत्र का उपयोग करके जब आप खेती कर रहे हैं तो खेत में आपको हमेशा पानी भरा रहे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी खाली खेत की गीली होती रहे, मिट्टी में खाली नमी बनी रहे, अगर इतने ही पानी का आप उपयोग करेंगे तो भी फसल बहुत अच्छी आती है। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खेत में पानी भर के 2-3 दिन छोड़ देते हैं। गोबर गोमूत्र की खेती में खेत में पानी भर के रखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा पानी जो मिट्टी को भिगा दे इतना ही फसल के लिए पर्याप्त है। तो हमने देखा है कि गोबर गोमूत्र की खेती करने में 80% खर्चा तो खाद और कीटनाशक का बच गया, करीब करीब 50 से 60% खर्चा पानी का बच गया, और इस गोबर गोमूत्र की खेती में बहुत कम मात्रा में खरपतवार होती है तो खरपतवार निकालने का खर्चा भी बच गया। माने किसान की जिंदगी का लगभग 90% खर्चा बचता है, 10% खर्चे में ही खेती हो जाती है। और मैं आपको गणित से ये बताना चाहता हूं कि कोई भी किसान भाई गोबर गोमूत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में तो 100 रुपए आप लागत में लगाएंगे तो 1000 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10 रुपए लागत में आप लगाएंगे 100 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10,000 रुपए अगर आपने लागत के रूप में लगा दिए 1,00,000 रुपए का उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मुनाफे का प्रतिशत निकालेंगे तो गोबर गोमूत्र की जो विषमुक्त खेती है, जहर मुक्त खेती है, इसमें
900% मुनाफा बहुत आराम से होता है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंधे में ईमानदारी से नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यापार करें, किसी भी व्यापार में ईमानदारी से 900% मुनाफा आप नहीं कमा सकते, बेईमानी से तो 1000% कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मल का उपयोग करके आप 900% मुनाफा कमा सकते हैं। और ये मुनाफा पूरे देश में टैक्स फ्री है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो सरकार का झगड़ा और झंझट भी नहीं है। मैं तो आप सब लोगों को एक विनती ये करूंगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है अतिरिक्त रूप से, थोड़ा भी पैसा अतिरिक्त रूप से है, भले आपने गहने खरीद के रखे हो, भले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हो, भले आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो, वो सब निकाल लीजिए, जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए, 1 एकड़ ले लीजिए, 2 एकड़ ले लीजिए, 5 एकड़ ले लीजिए और गोबर गोमूत्र की खेती पर आ जाइए। भविष्य आपका ही है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरोग्य केंद्र खुलेंगे, वहां गोबर गोमूत्र का गेहूं चावल चना दाल सब्जियां उपलब्ध होंगी, तो वो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन पैदा करने वाले कहां से आएंगे, वो आप में से ही तैयार होंगे तभी उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो आप उत्पादन करना शुरू कर दीजिए, परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये केंद्र जो चलेंगे वो बिक्री करना शुरू कर देंगे। उत्पादन आप करें, बिक्री पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान की तरफ से हो, तो उत्पादक और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंधन में ऐसे बने कि दुनिया की कोई ताकत हमें न तोड़ सके। और हम जो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं, अपने अभियान को पूरी तरह से सफल कर पाए। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं वो ये कि भारत में आजादी की लड़ाई जब हुई, तो इस आजादी की लड़ाई में आपको शायद ये जानकारी है कि सबसे ज्यादा किसानों ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति रही हो, 1905 का स्वदेशी आंदोलन रहा हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या 1930 का नमक सत्याग्रह रहा हो, जितने भी आंदोलन भारत में हुए सबने किसानों ने आगेवाणी की, माने वो अगुवाई में थे, माने वो लीडरशिप में थे, और सभी आंदोलनों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद किसानों की तरफ से हुई। दूसरे नंबर पर व्यापारियों ने मदद की, उद्योगपतियों ने मदद की, तो किसानों ने, कारीगरों ने और व्यापारियों ने मदद की, तो सारे देश में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आंदोलन हुआ। आजादी के आंदोलन के बारे में एक अनुमान है कि 480 करोड़ रुपए खर्च हुआ था उस समय 1857 की लड़ाई में। इसमें से अधिकांश पैसा किसानों ने दिया था, फिर कारीगरों ने और व्यापारियों ने दिया था। तो किसानों ने पैसा दिया कैसे, उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने दिया। किसानों के पास पैसा कहां से आया, उस समय खेती में उत्पादन बहुत अच्छा था। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि सन 1840 तक इस देश में 1 एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा होता था। पश्चिम महाराष्ट्र के दस्तावेज है, कोल्हापुर सांगली सतारा के आसपास के इलाके में 1840 में 1 एकड़ में 120 मीट्रिक टन ऊस उत्पन्न होता था। पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, पुराने दस्तावेज बताते हैं, अभिलेखागार में आर्काइव्स में वो बताते हैं कि 1 एकड़ में 12 से 15 क्विंटल कपास आराम से उत्पन्न होती थी और 56 क्विंटल धान, 120 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन, ऊस का उत्पादन, 12 से 15 क्विंटल कपास, भरपूर उत्पादन होता था किसानों के खेत में। और उस उत्पादन का कारण ही ये था कि किसान सबसे ज्यादा गोबर और मूत्र से खेती करते थे, जानवरों के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल करते थे। तो गोबर गोमूत्र की खेती करके उस जमाने के किसान सबसे ज्यादा श्रीमंत थे। इसलिए हमारे देश में ये कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम वर्ण, करे चाकरी कुकर निदान। उत्पादन भरपूर था, आमदनी भरपूर थी, और जिनके पास आमदनी बहुत होती है वही दान कर सकते हैं, भिखारी क्या दान करेगा, उसके पास तो खुद ही नहीं होता खाने को। तो आजादी की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा दान किसानों ने दिया, ये बात अंग्रेजों को समझ में आई थी, और इसलिए किसानों को खत्म कर देने के लिए उन्होंने साजिश रचाई थी, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया, फिर ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट लाया। तो अंग्रेजों ने साजिश के साथ किसानों को तोड़ा और बर्बाद किया। अब ये साजिश हमारे समझ में आ गई है, अब इस साजिश को खत्म करना है,
इस साजिश को बेकार करना है, इस साजिश को पूरी तरह से प्रभावहीन करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि किसानों को वापस उस खेती पर लाया जाए जिस खेती को करके वो हजारों साल दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्धशाली थे। और वो खेती यही है, गोबर गोमूत्र की खेती, विषमुक्त खेती, जहर मुक्त खेती। तो किसान भाइयों को तो इस तरफ आना ही पड़ेगा। आप उत्पादन करें, बाजार में उसको बेचने के लिए तंत्र तैयार हो रहा है, आपका उत्पादन और हमारा बिक्री का तंत्र, ये दोनों मिलेगा तो पूरे देश में ऐसी जबरदस्त क्रांति आएगी कि सारे किसान तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगे, स्वयंपूर्ण हो जाएंगे, समृद्धशाली हो जाएंगे। और जो खाने वाले हैं क्रेता, जो खरीदने वाले ग्राहक हैं, वो शुद्ध अनाज खाकर स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी और वो ताकत बढ़ाकर देश की व्यवस्था परिवर्तन के काम में और ज्यादा अपना विक्रम दिखा पाएंगे, अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर पाएंगे। तो सबके भले में सबका भला, ऐसी स्थिति है ये विषमुक्त खेती और समृद्ध किसान की जो बात आपके सामने रखी है, इस बात में हम सब पहले अपने जीवन में थोड़ा आचरण में उतारे, खेत में एक एक एकड़ में करके देखें जिनके पास भी खेत है, फिर अपने पड़ोसी किसानों को एक एक दो दो एकड़ में कराएं, फायदा मिले तो अगले साल पूरे खेत में गांव गांव में हो, और थोड़े दिन के बाद जिन जिन गांव में योग प्राणायाम की कक्षाएं लगती हैं हर उस गांव के सामने एक बोर्ड लग जाए, जैसे हरिकिशनपुरा का बोर्ड मुझे याद आता है कि ये पूरा गांव बिकाऊ है क्योंकि हर गांव के परिवार पर 6 लाख रुपए का कर्ज है क्योंकि जहर खेत में डाला है उसके लिए कर्ज हुआ है, तो इसका उल्टा बोर्ड लगे कि ये गांव समृद्धशाली है, संपत्तिवान है, इस गांव के किसी किसान पर कोई कर्ज नहीं है, यहाँ का किसान पहले रोडपति था अब करोड़पति है, पहले कर्ज लेता था बैंक से अब कर्ज देता है बैंक को, इसकी खेती में इतना उपजाऊपन बढ़ गया है कि सारे देश का पेट भरने की ताकत अब इस किसान में आई है। इस तरह के बोर्ड जगह 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 गाँव में लग जाए, विषमुक्त खेती वाला गाँव, जहर मुक्त खेती वाला गाँव, एक नाम, दो नाम, 20 नाम, 50 नाम, 1000 नाम, तो ये इतनी बड़ी खबर होगी कि दुनिया भर का मीडिया आएगा, उस गांव के बारे में फिल्में बनाएगा, सारी दुनिया में उसकी चर्चा होगी और दुनिया भर के लोग आप अगर चाहेंगे तो आपके सामने झोली फैलाकर खड़े होंगे कि भाई 1 किलो गेहूं दे दो ना गोबर गोमूत्र वाला, 1 किलो गंगा दे दो ना गोबर गोमूत्र वाला, क्योंकि उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मांग रहे हैं। हजारों अरब डॉलर का दुनिया में बाजार है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का, आप जानते हैं, इस बाजार की भरपाई करना भारत की ताकत में है। लंदन में अभी एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर में मैं गया, वहां मैंने पूछा तो वहां पता चला आलू जो है गोबर गोमूत्र का पैदा करवा 4 पाउंड का 1 किलो है और यूरिया डीएपी का 1 पाउंड का 1 किलो, तो 1 पाउंड का 1 किलो आलू है यूरिया डीएपी का और 4 पाउंड का वही 1 किलो आलू है गोबर और गोमूत्र का, मतलब लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में 4 गुना भाव तो अभी मिल रहा है आलू का। अगर सारे देश में इसी तरह के उत्पाद हम दे सके और सारी दुनिया में उनको सप्लाई कर सके तो 4-4 गुनी कीमत डॉलर में, पाउंड में, यूरो में हम लाएंगे और भारत के किसानों के खातों में डॉलर, पाउंड और यूरो ही जमा कराएंगे, और डॉलर कौन यूरो जैसे जैसे भारत में आएगा भारत की इज्जत और हैसियत बढ़ती जाएगी। ये रुपए और डॉलर की कीमत, डॉलर और रुपए की कीमत या पाउंड और रुपए की कीमत, ये बदलती शुरू चलना शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं जिस मुद्रा की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाए तो कीमत घट जाती है, तो आप उसको सिद्ध कर दीजिए। इस देश में डॉलर की कीमत घटानी है, पाउंड की कीमत घटानी है, उसकी उपलब्धता बढ़ा दीजिए, कीमत अपने आप घट जाएगी। उसकी उपलब्धता बढ़ाने का एक ही तरीका है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट को सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपको भरपूर डॉलर और पाउंड मिलने लगेगा। तो एक तरीका यह भी है रुपए की कीमत बढ़ाने का, डॉलर और पाउंड की कीमत घटाने का, डॉलर पाउंड की सप्लाई इधर बढ़ाओ और डिमांड उसकी कम करते जाओ, खर्चा उसका कम करते जाओ, तो रुपए की कीमत बढ़ने से इज्जत बढ़े, संपत्ति की कीमत बढ़े और सारी दुनिया में अंत में भारत की कीमत बढ़े, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, समृद्धशाली हो, स्वदेशी हो, स्वाभिमानी हो, किसी के सामने भीख फैलाने मांगने वाला देश ना हो, देने वाला देश बने, लेने वाला देश ना हो। ये सब किसानों की ताकत से और विषमुक्त खेती और समृद्ध किसानों की ताकत से हो सकता है। ये बोलकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।